हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विविताज ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है श्रावण सोमवार, यानी कि सावन का पहला सोमवार है। तो मैं और मेरी सिस्टर नीलो हम दोनों जा रहे हैं मंदिर, और लेके चलूंगे आप सबको भी मेरे साथ हमारे गांव का जो मंदिर है वहां पे। तो चलिए चलते हैं। और मिहिर जो है वो अभी सो रहे हैं, तो उसको मैं घर में मम्मी के साथ छोड़ के जाऊंगी। और चलिए चलते हैं मंदिर। हियर इज मिहिर, he is sleeping now, so that me and my sister-in-law, we will go to the temple. Let's go. यहाँ पर देखिए, हम दोनों, मैं और मेरी सिस्टर-in-law, हम दोनों निकल चुके हैं मंदिर के लिए। और अभी का जो मौसम है, जिसके वजह से जो ग्रीनरी हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे स्कूटी या फिर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना खासकर मुझे तो बहुत पसंद है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करती हूँ इस रोड को, ग्रीनरी को। देखिए आप सब भी कितना हरा भरा लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा दुकान है जिसमें पूजा की सारी सामग्री मिलती है। तो मैं और मेरी सिस्टर ने लो हम दोनों भी जो है यहीं से पूजा के जितने भी प्रसाद के जो सामान थे और पूजन सामग्री सब यहीं से लेके जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैं नारियल में पानी चेक कर रही हूँ कि नारियल में पानी है कि नहीं। तो नारियल बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा पानी था इसमें, बहुत ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा था। यहाँ पर मैं सिस्टर इन लोग को सुना रही हूँ, देखिए पानी का आवाज़ आप भी सुनो। तो यहाँ पर देखिए मैं ले लेती हूँ। ये हम दोनों प्रसाद लेने के बाद जो है अभी निकल गए हैं मंदिर के लिए। और मंदिर जो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों जो है अभी पहुँचने वाले हैं मंदिर। यहाँ पर देखिए नल है, नल में जो है हम लोग पैर धो के ऊपर मंदिर के लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, छोटा सा है। यहाँ पर चढ़ रहे हैं हम लोग, ये देखिए। पर देखिए मंदिर के जो गेट है ना, उसके बाहर ही एक बकरी जो है पेड़ पे चढ़ के पत्ता खा रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली। यहाँ पर देखिए कितने सारे कौवे हैं। एक्चुअली मेरे मायके साइड में जो कौवा आपको देखने नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ससुराल साइड में इतने कौवे हैं कि मत बोलिए, आपको जगह जगह कौवा दिखेगा। और फिर यहाँ पर देखिए पूजा ख़त्म होने के बाद मैं अपनी स्कूटी फिर से निकाल रही हूँ घर आने के लिए। यहाँ पर देखिए घर जाते टाइम एक ठेला में जो है फ्रूट्स वगैरह भी थे और पूजा के सामान भी मिलते हैं इस ठेले में। और मुझे लेना था स्वीट, क्योंकि फास्टिंग के टाइम पे कोई नमक वाला चीज़ तो हम नहीं खा सकते, लेकिन मीठा तो खा सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ बालूशाही। यहाँ का जो बालूशाही है अच्छा लगता है खाने में, तो मैं वही ले लेती हूँ यहाँ से। और यहाँ कुछ जो है ऐसे सुबह के मॉर्निंग का नाश्ता भी यहाँ पर मिल जाता है रोड साइड पर। अच्छा लगता है यहाँ का खाना, उतना बुरा नहीं बनता है, टेस्टी ही बनता है। तो यहाँ पर मैं ले ले रही हूँ बालूशाही। और फिर मैं यहाँ पर अपने सिस्टर इन लोग से भी पूछती हूँ कि उसको भी लेना है क्या, तो बोलती हैं हाँ लेना है। तो दोनों ले लेते हैं फिर चल जाते हैं घर। ये देखिए घर आते टाइम यहाँ पर चल रहा है रोड कंस्ट्रक्शन का काम। तो साइड से स्कूटी निकालना मतलब झंझट वाला काम, क्योंकि साइड में जो है रोड बहुत ज़्यादा
ऊपर नीचे वाला था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोली कि मुझे उतार दो, आप अकेले पार करो, तो वो उतर गई और मैं यहाँ पर अकेले स्कूटी पार कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरे ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया, थोड़ा सा भी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल बटन को ऑन कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।